तो दोस्तों अभी जस्ट दोस्तों मेरी ससुराल में दोस्तों एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी क्या है दोस्तों, मेरे यहाँ ससुराल है दोस्तों, मेरे जस्ट ससुराल के पीछे अभी 6 महीने पहले एक लड़की की शादी हुई थी। तो दोस्तों शादी को मात्र 6 महीने हुए थे और उस लड़की के बीए के पेपर चल रहे थे। तो दोस्तों बीए के पेपर देने अपने मायके आई थी, तो अपने हस्बैंड के साथ वो बीए के पेपर देने जा रही थी और उसकी एक फ्रेंड थी दूसरे गांव की, वो उसके साथ थी। तो दोस्तों गलती से उस बंदे की गाड़ी फिसल गई और दोनों लड़कियां रोड पर आ गईं और आगे से एक ट्रैक्टर जा रहा था, तो ट्रैक्टर एक लड़की की तो सिर पे से निकल गया, एक उसके पेट से निकल गया। तो दोस्तों दोनों लड़कियों की ऑन द स्पॉट वहीं मौत हो गई। दोस्तों वही मैं कहता हूँ कि दोस्तों जिंदगी कभी रिवर्स नहीं होती, जो जिंदगी में एक बार दुर्घटना, वो भी काम एक बार जो हो जाता है वो हो जाता है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बस हमारे मन में एक पहेली बन के रह जाती है कि दोस्तों काश हमने वह काम नहीं किया होता तो शायद ऐसा हो जाता, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, जो एक बार हो गया वो हो गया, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो दोस्तों मैं तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी में आप जो पल जी रहे हैं उसको खुश होकर जी भर के जियो, क्योंकि दोस्तों लाइफ का कुछ पता नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी में कब कौन सी दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। तो दोस्तों मैं तो यही बोलता हूँ, आपके मन में जो कोई काम है जिसे आप करना चाहते हो उसे करो, ये मत सोचो कि मैं 4 साल बाद 5 साल बाद करूँगा, क्योंकि दोस्तों लाइफ का कोई भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है दोस्तों, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो जाती है और हो भी सकती है। और दोस्तों मैं यही कहता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी कभी रिवर्स नहीं होती, जो एक बार हो जाता है वो हो जाता है और उसका कुछ नहीं हो सकता, बस हमारे फ्यूचर को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो फास्ट हमारा हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता। तो मेरा तो वही कहना है कि दोस्तों जो तुम्हारे मन में है और जो पर जीरो दोस्तों, दुख को छोड़ दो, खुश होकर जियो, जो होगा सो दिखाया जाएगा। तो दोस्तों वही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों हमारे ससुराल में। तो मैं तो दोस्तों भगवान से ये प्रार्थना करूँगा दोस्तों, उनकी आत्मा को दोस्तों शांति मिले और दोस्तों ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, क्योंकि दोस्तों जिस परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं दोस्तों, उनके परिवार से जाके पूछो दोस्तों उनके दिल पे दोस्तों क्या गुजरती होगी। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ, कोशिश करो जहाँ तक हो दोस्तों संभल कर ड्राइव करो, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं, और ज़िंदगी दोस्तों जीवन के जियो।